भाई साहब एक कोल्ड ड्रिंक देना। ठीक है भाई साहब देता हूँ। अरे भाई साहब कोल्ड ड्रिंक तो खत्म हो गया। अरे यार ठीक है भाई। अरे इसका फोन तो यही रह गया। अरे भाई साहब आपका फोन रह गया। मेरे हालात सूरज भाई क्या आवाज है? पहले पूजा ने हाँ कर दी। छोटा सा मेरा जहाँ है। अरे वाह ये तो अच्छा बात है, पर उसने हाँ कैसे की? मैंने उससे पूछा कि तुम किसी और से प्यार करती है, तो उसने हाँ कर दी। क्यों? हेलो। हाय, मुझे आपका नंबर अखबार में मिला था, मैट्रिमोनियल सेक्शन में। तो आप अपनी लड़की देख रहे हैं? हाँ जी। तो आप करते क्या हैं? मैं एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन हूँ और मैं अपने लिए एक लड़की ढूंढ रहा था जो सुंदर हो। हाँ जी। वो जैसे जिस भी कमरे में जाए ना, सब उसे ही देख रहे हूँ। जी, एक ऐसी लड़की जो पढ़ी लिखी हो। हाँ। और सक्सेसफुल हो। जी जी। और मैच्योरिटी बहुत जरूरी है, मैच्योर होनी चाहिए। हाँ, लड़की बहुत जरूरी है। यस जी। और अच्छे घर से तो होनी चाहिए। हाँ। तो आप अगर किसी ऐसी लड़की को जानती हैं तो उसका नंबर मुझे दे सकती हैं? इमोशनल डैमेज। व्हाट द बिल्कुल तमीज नहीं है क्या? बदतमीज कहेगा तो ये सब ऑलरेडी हूं मैं, और मेरे को क्या फोन करा किसी और को मिलने के लिए? अरे भाई साहब। हाँ। इंदौर कहाँ पड़ेगा? प्रेम से बोलो। जय माता दी। अरे प्रेम से बोलो। जय माता दी। अरे प्रेम से बोलो। जय माता दी। अरे ढूंढके कंडक्टर का नाम है प्रेम। अरे यार ये रात को 3 बजे कैसी इमरजेंसी आ गई तुमको? डॉक्टर साहब वो मैं अभी रात को ना 2 बजे जंगल गया था, मुझे नींद नहीं आ रही थी इसलिए, तो वहां जाके ना मुझे एक सांप ने काट लिया। कहाँ काटा दिखाओ? पैर में। देखने से तो ऐसा लग रहा है कि सांप जहरीला नहीं था, अगर सांप जहरीला होता तो अभी तक तो तुम मर जाते। कोई बात नहीं, मैं आपको ये कीड़े मारने की दवाई दे रहा हूँ, इसे आपको रोज रात को खाना है। कीड़े मारने की दवाई? कीड़ा कहाँ है? आपके पिछवाड़े में, वरना रात को 2 बजे जंगल कौन जाता है भाई? साला कौन है? साला का मतलब क्या होता है? क्या होता है? साला का मतलब होता है बीवी का भाई। बीवी का भाई मतलब घर का सदस्य, मतलब आप हमारे घर के सदस्य हुए, हम आपसे प्यार करते हैं और आप समझे कि हम आपको गाली दे। ओ भाई जल्दी चलो, तुम्हारी बीवी को अटैक हुआ है, उसकी आंखें ऊपर, मुंह टेढ़ा और गर्दन उल्टी हो गई है उसकी। ओ भाई परेशान नहीं हो, वो सेल्फी ले रही होगी। ये तुम्हारा फ्रेंड है? यस सर। इसे पढ़ो। भाखरा नागल डैम सतलज नदी पर बना है, सतलज नदी पंजाब में है, पंजाब सरदारों का देश है, सरदार पटेल भी सरदार थे। तो क्यों गए? एक बार में पूरा पढ़ो। उन्हें भारत का लोह पुरुष कहा जाता था, लोहा टाटा में बनता है लेकिन टाटा हाथ से किया जाता है, कानून के हाथ भी बड़े होते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू खूब कानून जानते थे, उन्हें बच्चे चाचा नेहरू के नाम से पुकारते थे, चाचा नेहरू को गुलाब पसंद था। गुलाब 3 किस्म के होते हैं, पीने वाला शरबत, खिलने वाला और गुलाबरी होता है। गुलाबरी बहुत मीठा होता है, मीठी तो चीनी भी है और चीनी अक्सर चींटी खाती है, और हाथी को चींटी से सख्त नफरत है। लंदन का हाथी कुख्यात है, जर्मन का बार बहुत फेमस है, वार कई तरह के होते हैं, सोमवार मंगलवार बुधवार और वर्ल्ड वार बहुत खतरनाक है, खतरनाक तो शेर भी होता है, शेर का एक मन होता है और मन तो चंचल होता है, चंचल मेरे पीछे बैठती है, चंचल मधुबाला की बहन है और मधुबाला ने फिल्म शक्ति में काम किया है, शक्ति मुट्ठी में होती है और छोटे छोटे झगड़ों में मुट्ठी बांधकर मारने का शौक पंजाबियों का होता है, पंजाबी पंजाब में रहते हैं और पंजाब में ये डैम है। तुमने कहा था इसे लिखने के लिए? सॉरी सर। व्हाट सॉरी? टीचर कोमा में है जिसने कॉपी चेक की है। अरे भाई तुम दारू पीते हो? कौन है? मैं ला मुझे दे। हाँ भाई हम दारू पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, चरस भी पीते हैं, वो भी अपने बाप के पैसे से। चल रख फोन। वैसे वैसे ये था कौन? अबे तेरा बाप था रे। हेलो। तुम बहुत अच्छी हो। आई लाइक यू।
कुछ कहा तो तुम बहुत अच्छे हो, I like you. Thank you बेटा, तुम बहुत अच्छे हो, I like you. ये क्या सुबह सुबह बेटा सुन लेगा? बेटे से सुनकर आ रहा हूँ पगली. उसने मुझसे कहा मैं बहुत अच्छा हूँ. क्या? हाँ पूछ ले उससे, पूछ ले. तुम बहुत अच्छे हो, I like you. क्या हो रहा है? अरे आए ना बैठ जाए. नहीं मैं बैठ नहीं सकता. Oh, no. क्योंकि मैं तुम्हारी बहुत ज्यादा इज्जत करता हूँ इसलिए. अच्छा कितनी इज्जत करते हैं? इतनी के अगर आप बेड पे बैठी होंगी तो मैं सोफे पे बैठूंगा. Wow. Okay. और अगर मैं सोफे पे बैठी होंगी तो मैं फर्श पे बैठ जाऊंगा. और अगर मैं फर्श पे बैठ जाऊं तो फिर मैं करूंगा ये कि मैं फर्श में गड्ढा खोदूंगा, गड्ढा खोद के उसके अंदर बैठ जाऊंगा. अच्छा अगर मैं भी फर्श में गड्ढा खोद के उसमें बैठ जाऊं तो आप कहां बैठेंगे? तो मैं ऊपर मट्टी डाल दूंगा. अजीब हो तो यार तुम्हें तो इज्जत राजी नहीं है. अरे थोड़ा ज्यादा हो गया.